टर्म शेयर्स, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो देखिए यहाँ पे लाल बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, कई बैंकों के हमने अभी स्टॉक के रिव्यू दिए हैं, जैसे एस बैंक हो गया, HDFC फर्स्ट बैंक हो गया, एंड बंधन बैंक हो गया, और SBI बैंक के बारे में भी हमने बात किया था। और हमने एक बैंक की बात तो की ही नहीं, उसका नाम है HDFC बैंक। आज हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो ऐसा स्टॉक है, दिग्गज स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर का नंबर वन बैंक है, अपने इंडस्ट्री में फर्स्ट है। और उस स्टॉक के बारे में आपको बता दूं, कुछ एक मोटिवेशनल एक कहानी, एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश की। खरगोश अचानक भाग जाता था और कछुआ धीरे 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 अपने मंजिल की तरफ पहुँचता। कछुआ आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता था। आपने कहानी सुनी, मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। और जीतता वही था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसी दिग्गज बैंक है कि कितने बड़ा जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, इसको सिर्फ झटका लगेगा, हल्का सा झटका लगेगा, एक कदम पीछे हटेगा, लेकिन गिरेगा नहीं। बहुत सारे बैंक्स क्या होते हैं, जो इसकी पीयर कंपनीज़ हैं, उनमें इतना झटका लग चुका है कुछ कंपनियों में। जैसे यस बैंक का उदाहरण ले लीजिए, वो भी बहुत बड़ी अच्छा बहुत बढ़िया बैंक है, लेकिन क्या है कि एक न्यूज़ आई थी मैनेजमेंट को लेके, और तो 400 के लेवल पे था वो प्रीमियम, 400 के आसपास, और वो 150 तक लो मारा था एक साल के अंदर। तो कहने का तात्पर्य इस बैंक के साथ ऐसा नहीं होगा। और ना हो, देखिए स्टॉक मार्केट यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसा किसी के बारे में कोई ज्योतिषी या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किसी के बारे में कौन सी न्यूज़ आ जाए, क्या निकल जाए अंदर मैनेजमेंट में या कुछ। लेकिन अभी तक का जो इसका इतिहास है, जो ये जिस हिसाब से इसका मैनेजमेंट है, जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट्स हैं, जिस हिसाब से इसकी नेट सेल्स है, इंटरेस्ट अर्निंग है, उस हिसाब से ये रिटर्न देता हुआ आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। मार्च आज 19 है, 2019 भी है, और 12:23 होने BSE पे लाइव। 2254 रुपये इसका भाव है, 2254.95 और 6.50 रुपये की डाउन साइड दिख रहा है। 52 वीक लो बनाया था 1833 का, और हाई था इसका 2291 रुपये का। और हम देखिए यहाँ चार्ट पे आ गए हैं और देखते हैं 2000 से, 2000 में इसका भाव था 50 रुपये पे ओपन हुआ था, 2000 में, और आज तो पता ही आपको 2254 रुपये का भाव है। धीरे धीरे हर साल डिविडेंड देता हुआ, हर साल आपको टैक्स फ्री डिविडेंड देता हुआ, कमवाते हुए आपके खाते में डालता हुआ ऊपर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही। भाई यहाँ पे देखिए कुछ छिपा हुआ लाल लाल, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्प्लिट मतलब फेस वैल्यू इसकी 10 की थी, फेस वैल्यू 10 से न्यू फेस वैल्यू 2 पे आ गया जुलाई 2011 को। यानी जिसके पास 1000 शेयर थे वो 5000 हो गए, जिसके पास 100 शेयर थे उसके 500 शेयर हो गए। तो फिर यहाँ पे हर साल डिविडेंड देता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता ही गया, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ियाँ आदमी चढ़ता है ना स्मूथली, वन बाय स्टेप, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ता ऊपर उठने की सॉरी। और अच्छा रिटर्न आपको दिया है डिविडेंड के साथ, डिविडेंड अलग से आपको देता है। और सेंटीमीटर में लोग कह रहे हैं कि 71% बाय कर लीजिए, 21.9% कह रहे हैं कि इसको सेल कर दीजिए। मार्केट कैप है 6,14,275 करोड़ की है। और EPS हम देख लेंगे, P यहाँ पे नहीं है, हम देख लेंगे आगे। बुक वैल्यू है 404 की, प्राइस टू बुक है 5.59 की, डिविडेंड 650% का ज़बरदस्त। इंडस्ट्री पी है 36 की, और डिलीवरेबल है यहाँ 59, करीब 60% के आसपास। तो अभी हमने बात की कि ये ऐसा दिग्गज स्टॉक है कि सुनामी आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये पीछे हटने वाला नहीं है, टिका रहेगा, डटा रहेगा। और अब इसके हम कुछ इसके रिटर्न देख लेते हैं 10 सालों में, इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। आइए, एक्सेलेंट क्वालिटी की कंपनी है, नॉट गुड नॉट एवरेज, एक्सेलेंट कंपनी क्वालिटी है, मैनेजमेंट पे, ग्रोथ पे और कैपिटल स्ट्रक्चर पे को ध्यान में देते हुए एक्सेलेंट क्वालिटी का इनको जो है दिया गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ इज 5 year 19.71%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 19.98% की। और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी दिखा रहा है। अब वैल्यूएशन ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंसिव है, लेकिन ये नीचे आ भी तो नहीं रहा। अब होता क्या ऐसे में, देखिए स्टॉक का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा है, महंगा इन द सेंस कि महंगा हमें लग रहा है,
मगर जिस हिसाब के इसके रिटर्न्स हैं उस हिसाब से ये जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है उस हिसाब से प्रीमियम इसका सस्ता ही होना चाहिए। अब ये नीचे आएगा ही नहीं, हर साल आपको रिटर्न पे रिटर्न देता जा रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा लेकिन आप एक कंपाउंडिंग रेशियो रेट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सस्ता मिल भी नहीं पाएगा। अभी डाउन, अभी 2100 पे ट्रेड कर रहा था कुछ दिन पहले, एक महीने डेढ़ महीने पहले जब मार्केट काफ़ी डाउन थी। तो यहाँ पे यहाँ और पी देखिए, यहाँ पे पी रेशियो इसका 30.79 है और इंडस्ट्री थी पी थी इसकी 36 के आसपास जहाँ हमने देखा, तो इंडस्ट्री पी से अपने नीचे पे है। आरओई है इसका 13.98% और फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं, पॉजिटिव है, स्कोर इज 17। अब रिटर्न्स पे आते हैं, ये देखिए 10 सालों में इसने 1258% का रिटर्न दिया। मतलब आपने अगर 1,00,000 रुपये 10 साल पहले इसमें डाले थे तो आपके 13,58,000 हो गए होते। पाँच सालों में 205% का, चार सालों में 114% का रिटर्न, 3 सालों में 119% का, 2 सालों में 58% का, 1 ईयर में 21% का, ईयर टू डेट में 6.28% का, 6 मंथ्स में 14% करीब 15% के आसपास, 3 मंथ्स में 6.5% का रिटर्न और 1 मंथ में 8.22% का रिटर्न, 1 वीक में 3.92% का रिटर्न और 1 डे यहाँ पे 0.25% का नेगेटिव में है। तो ज़बरदस्त रिटर्न 10 सालों में और इंटरेस्ट अर्न 25.80% की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में देखिए यहाँ पे 20.32% की ग्रोथ है, अपसाइड है। तो ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आए हुए हैं 2017 से 2018 के। और शेयर होल्डिंग में देखते हैं 26% 26.54% की जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है। सितंबर 18 से दिसंबर 18 में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, माइनर बहुत ही 0.03% की, और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स की 43 स्कीम्स ने इसमें पैसे लगा रखे। FIIs हेल्ड बाय 1174, मतलब 1174 FIIs 38.7% की होल्डिंग है इनकी। तो इन लोगों तो भर रखा है, इन लोगों ज़बरदस्त भर रखा है भाई, 1174 लोगों ने मतलब पैसे लगा रखे, वाह। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग है खुद HDFC की, जो इनकी हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, HDFC जो इनकी कंपनी है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड 4.08% की, और इंडिविजुअल हैं रिटेल खुदरा ग्राहक 11.06% की, और थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। और म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज की हुई है। अब देखिए प्राइवेट बैंक है 1994 से काम कर रही है, मार्केट कैप देख ही चुके हैं, 13 रुपये पर शेयर का इन्होंने लास्ट जो डिविडेंड दिया था, हर साल देती है, 31 मई 2018 को 13 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया था। और HDFC बैंक फर्स्ट बैंक है अपने इंडस्ट्री में, रिटेल बैंक से इनको 50% की आय होती, होल्स बैंक से इनको 28% की और ट्रेजरी से 13.5% की। सॉरी HDFC बैंक लिमिटेड ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल बैंकिंग सर्विसेज एंड ट्रेजरी प्रोडक्ट्स टू होल सेल एंड रिटेल कस्टमर्स। द बैंक हैज़ 3 की बिजनेस सेगमेंट्स, होल सेल बैंकिंग सर्विसेज। द बैंक्स टारगेट मार्केट रेंजेस फ्रॉम लार्ज ब्लू चिप मैनुफैक्चरिंग कंपनीज इन द इंडियन कॉरपोरेट to small and mid-sized corporates and agri-based businesses. Retail banking services, the objective of the retail bank is to provide its target market customers a full range of financial products. तो दोस्तों अभी आपने HDFC बैंक के बारे में देखा और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा बैंक है और बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनकी एज भी थोड़ा सा ज़्यादा है और वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे जनरली लोग मल्टी बैगर ढूंढते हैं, तो मल्टी बैगर में क्या होता है, जैसे कि अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो वो एक छोटा प्रीमियम का स्टॉक हो सकता है कि वो एक साल में इतना ज़बरदस्त भाग जाए, और हो सकता है कि वो एक साल में भागने के बाद फिर नीचे भी आ जाए, डिपेंड है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे और न्यूज़ेस पे और
कभी कभी तो हवा भी चलती है, ऐसी खबरें फैला देते हैं लोग कि लोग बाइंग करते करते भी सब उसका प्रीमियम ऊपर चला जाता है, फिर नीचे भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ऐसी बैंक है कि इसमें आप अगर पैसा अपना डालते हैं तो मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया इसके चार्ट देख के जहाँ से चला था कि इसमें बहुत बड़ा पेशेंस है और बहुत स्ट्रांग कंपनी है और धीरे धीरे आपको रिटर्न देती रहेगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको अगर कुछ भी मार्केट में बुरी खबर आती है, सेंसेक्स टूटता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। तो थैंक यू दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।